बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटरसेक्शन। कोई भी जंक्शंस की तरह आता है आपके पास, उस क्रॉसिंग रोड जा रही हैं, उस सेक्शन के अंदर आप सिविल 3D के अंदर ऑटोमेटिकली जो हमारे पास इंटरसेक्शन हैं उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है सिविल 3D के अंदर, या आप सिविल 3D के अंदर उसका व्यू देख रहे हैं 3D व्यू जिसके अंदर ये कम्प्लीट आपस में मैच हुआ है, इसको आप कैसे ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, इसके एलिवेशन की प्रोफाइल वगैरह को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। कोई भी वर्किंग है, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल के प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ है, आप उधर से देख सकते हैं। कोई भी काम करवाना चाहते हैं प्राइवेट किसी भी किस्म का, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ रही है, नंबर भी आ रहा है, इधर से आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं, और जो काम करवाना चाहते हैं उसके मुतालिक आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, अगर आपने इंटरसेक्शन के ऊपर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स या कोई आपके पास उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत है, तो आप मेरी ये वीडियो को एंड तक देखेंगे, जब तक 20 मिनट की ऑलमोस्ट ये वीडियो होगी, तो आपको उसमें सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से करेंगे। तो आप सबसे पहले सिविल 3D इधर से ओपन कर लें, और इधर इंसर्ट पे आ जाएं, अपनी पॉइंट फाइल जो आपके पास पड़ी हुई है उसको आपने इधर इंपोर्ट करा लेना। अगर पहले की ड्राइंग बनी हुई है तो आपने उसके हिसाब से कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये FF नाम से ये पूरे इसकी हमारे पास CXV फाइल है, इसको आपने ओपन कर दें। जो फॉर्मेट है हमारे पास PNZD डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है, इधर से आपने इसको इधर ओके कर देना है। ओके करने के बाद जूम एक्सटेंड कर लें तो ये पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, पॉइंट्स हमारे सामने आ जाते हैं। इसके बाद आपने इसकी सबसे पहले सरफेस बना लेनी है, इधर सरफेस के ऊपर आपने आ जाना है, राइट क्लिक करना है क्रिएट सरफेस के ऊपर, इधर आपने कोई भी नाम दे देना है, मैं इसका नाम एक्स दे देता हूँ। फॉर्मेट वगैरह आप इधर से चेंज कर सकते हैं, इसकी पहली वीडियोज़ मेरी अपलोड है, आप देख सकते हैं। ओके कर दें तो ये हमारे पास आप सर्फिस के ऊपर आएंगे तो ये एक्स हमारे पास इधर क्रिएट हो गई है, डेफिनेशन के ऊपर आ जाएंगे, और इधर से पॉइंट ग्रुप्स के ऊपर आके आपने इधर से ऐड कर देना है, ऐड करना है, और इधर से ऑल पॉइंट आप सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर दें तो ये हमारे पास इधर इसकी सरफेस बन जाएगी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास सरफेस इसकी बन गई है, आपने सबसे पहले इसकी सर्फिस को इधर से क्रिएट कर देना है। सर्फिस क्रिएट करने के बाद आपने इधर से लाइन पूरी लाइन की कमांड ले लेनी है, और अपना एक लाइन जिधर भी आप आपकी अलाइनमेंट आपकी जा रही है उसको आपने इधर ड्रा कर देना। अभी आप देख रहे हैं कि इधर से मैं लाइन को इधर सपोज इधर तक एक हमारी अलाइनमेंट जा रही है, उसके बाद सेकंड हमारी जो अलाइनमेंट है वो इधर से आ रही है और इधर पूरा इधर नीचे तक जा रही है। तो ये हमारे पास दो अलाइनमेंट्स जा रही है, इसके बीच में ये इधर इंटरसेक्शन बन रहा है। इधर हमने इसको इंटरसेक्शन को हमने उसको कैसे बनाना है, उसके लिए आपने दो लाइन इधर लगा दें, या आप कोई भी प्लान प्रोफाइल अपने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए इधर मैंने दो लाइन्स को ड्रा कर दिया है। इधर से आपने होम पेज पर आना है, अलाइनमेंट के ऊपर आ जाना है, अलाइनमेंट के ऊपर आके आपने अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर देना है। ये जो कोई दो लाइन आपने लगाई हैं उसको आपने इधर सेलेक्ट कर देना है। आप इधर से डायरेक्ट भी अलाइनमेंट इधर से लगा सकते हैं, न्यू अलाइनमेंट के ऊपर आके लगा सकते हैं। तो हमने ये चूँकि ऑफसेट लगाई है आपको दिखाने के लिए, तो ये इधर से मैं ऑफसेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ और राइट क्लिक करके एंटर कर दूंगा। जो डायरेक्शन रखना चाहते हैं रखते हैं, इधर आपने जो भी नाम देना है, मैं नाम देता हूँ इधर ए का, ये ए अलाइनमेंट हमारी इधर से प्रपोज है, और ये ऑल लेवल सेट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। कर्व हमारी इधर कोई नहीं है, अगर होएगी तो आपने इधर उसके हिसाब से आपने करना है, आपने ओके कर देना तो ये देखेंगे हमारे इधर अलाइनमेंट 1A ड्रा हो गई है। इसी तरीके से आपने दोबारा आना है और अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट के ऊपर आना है, और सेकंड नंबर पे जो ऑब्जेक्ट जा रही है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है, या आपने लगा के इसको एंटर कर देना है। इसका नाम आपने जो भी देना है दे दें, मैं इसका नाम इधर से बी दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारी इधर अलाइनमेंट इधर लग गई है। सबसे पहले हमने पॉइंट रिपोर्ट्स की है, उसकी सर्फिस बनाई, उसके बाद हमने इसकी अलाइनमेंट्स इधर लगा दी है। बेसिकली हम इधर इंटरसेक्शन अपना बनाना चाहते हैं, उसके कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि आपने कैसे उसको बना सकते हैं। तो ये हमने अलाइनमेंट लगा दिए, इसके बाद आपने इसकी प्रोफाइल को ड्रा करना है। आपने इधर प्रोफाइल वाले टैब के ऊपर आ जाना है, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल है, आप इस क्लिक के लिए क्लिक कर दें। इधर से आप देख रहे हैं कि इधर सरफेस हमारे पास एक्स आ रही है, अलाइनमेंट ए और बी है। तो हम सबसे पहले अपनी ए के अलाइनमेंट को ऊपर उसके प्रोफाइल को लगाएंगे, एक्स सर्फिस के ऊपर ऐड कर दें। इधर से ड्रा इन प्रोफाइल व्यू के ऊपर आ जाए, ये हमारे पास अलाइनमेंट आ रही है। उसके बाद ये इसके नीचे बैंड्स वगैरह हैं, आप जो भी बैंड्स रखना चाहते हैं, मैं प्रोफाइल व्यू के ऊपर रखता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, ये स्टार्ट एंड है, इधर से आप इसके चेंज करना चाहते हैं अलाइनमेंट्स को, तो आप इधर से स्टार्ट एंड इसका
डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए तो ये हमारे पास प्रोफाइल व्यू है। प्रोफाइल का एलिवेशन जो हमारे पास सर्फेस के हिसाब से आ रहा है मिनिमम 214 है और मैक्सिमम 216.01 है समथिंग। हम इसका ग्रेड को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, यूज़र स्पेसिफाइड में आ जाएंगे। इधर से मैं इसका मिनिमम एलिवेशन 210 करा देता हूँ और मैक्सिमम जो एलिवेशन है उसको मैं 225 के ऊपर ले जाता हूँ। करने के बाद क्रिएट प्रोफाइल, इधर आप प्रोफाइल क्रिएट कर दें इसकी, आप देखेंगे ये हमारे पास इसकी इधर से प्रोफाइल इसकी ये क्रिएट हो गई है। तो प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आपके पास ये हमारे पास ए प्रोफाइल आ गई है नीचे। इसी तरह आप इसके ऊपर आ जाएं, प्रोफाइल के ऊपर इसकी डिज़ाइन लाइन को आप लगा दें, प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर आ जाएँ और इधर से आप प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लें। ये हमारे पास ए अलाइनमेंट है, प्रोफाइल डिज़ाइन प्रोफाइल हमारे पास। जैसे आप कोई भी नाम इसका दे सकते हैं, मैं इसका नाम 1 का देता हूँ, नंबर 1 प्रोफाइल है। ओके कर दें, ये टैब आपके सामने आ जाएगी, पहले के ऊपर आ जाएँ। इधर आप कर्व भी लगा सकते हैं, टेंजेंट भी लगा सकते हैं कोई भी। तो हम इधर से सिंपल एक टेंजेंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ड्रा टेंजेंट्स को इधर से, और इधर से एलिवेशन हम अपना ले लेते हैं 220 के ऊपर। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये इधर हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने आना है 220 से ले कर। और मैं इसकी जो प्रोफाइल है उसको सेम टू सेम एक ही लेवल के ऊपर रखूँगा टेंजेंट के ऊपर, कोई वर्टिकल कर्व वगैरह हम नहीं देंगे। जो इधर एंड आ रहा है उसके हिसाब से आपने इधर 220 के ऊपर एक अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल को ड्रा कर लेना। आपके पास जो भी एलिवेशन वगैरह आ रहे हैं आपने लगा देने। मैंने जस्ट एक इधर से स्ट्रेट लाइन लगा दी है 220 के एलिवेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास प्रोफाइल 1 ड्रा हो गई है इसकी, इधर से आप इसको क्लोज कर देना है, दोबारा प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है। इधर आप देख रहे हैं हमने दो अलाइनमेंट्स लगाई है, 1 अलाइनमेंट 2 अलाइनमेंट, हमने 1 की प्रोफाइल ड्रा कर दी। इसी तरह आपने सेकंड की प्रोफाइल को भी ड्रा करना है। तो क्रिएट सरफेस प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है, पहले हमने ए को किया था, अब आपने इधर से बी को कर देना है और इधर से आपने ऐड कर देना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इसी तरह ड्रा प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और एलिवेशन वगैरह जितना आप चेंज करना चाहते हैं यूज़र प्रोफाइल के हिसाब से वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास पहले ए था, अब बी है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आपने कर देना है और इधर से आपने जो सा भी एलिवेशन आप इसका रखना चाहते हैं 210 से लेके, और मैं इसका 225 तक रखता हूँ ताकि हमारी लाइन सेंटर के अंदर आ जाए। तो आपने इधर क्लिक करना भी, आप देख रहे हैं कि लाइन हमारे पास इधर ड्रा हो गई है। इसी तरीके से सेम टू सेम आपने प्रोफाइल के ऊपर आना है और प्रोफाइल क्रिएशन टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर से प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका नाम हम दे देंगे 2, पहले का हमने दिया था 1, इसका आ जाएगा 2। ओके कर दें और इधर से सेम टू सेम वही टेंजेंट्स आप लगाना चाहते हैं। डायरेक्ट सिंपल रोड है सोसाइटीज़ वगैरह की तो आप सीधी लाइन लगा सकते हैं, कोई हाईवे वगैरह है तो कर्व्स के साथ आप वगैरह लगा सकते हैं। इसके मुतल्लिक पहले डिटेल्स वीडियो मेरी अपलोड है, आप उसमें देख सकते हैं। तो टेंजेंट के ऊपर हम आ जाते हैं, इधर से हमने उसका एलिवेशन 220 के ऊपर इधर रखा था, तो इसको भी एलिवेशन हम इसका इधर सेम टू सेम वही रखेंगे 220 के ऊपर। आप अपना प्रोफाइल के हिसाब से आप लगा सकते हैं। 220 के ऊपर स्टार्ट ले लिया मैंने और इधर से इसी तरीके से एंड के ऊपर आता हूँ और ये जो एंड आरडी आ रही है इसके सामने बिल्कुल 220 के ऊपर मैंने इधर इसका एंड कर देना है। एंड करने के बाद राइट क्लिक कर देना तो ये हमारे पास दोनों प्रोफाइल इधर ड्रा हो जाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, अलाइनमेंट 1, अलाइनमेंट 2। तो ये दोनों आपने जितनी भी अलाइनमेंट्स आपकी होंगी आपने उसी तरह इंटरसेक्शन बनाने के लिए भी आपने उसकी प्रोफाइल को ड्रा करना है। उसके बाद ये टेबल को मैं क्लोज कर देता हूँ। इधर से हमने आ जाना है अपनी टूल प्लेट्स के ऊपर, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो असम्बलीज हैं वो सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। असम्बली के ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ें आप बना सकते हैं अपनी रोड के हिसाब से। इधर से मैं बेसिक असम्बली को उठा लेता हूँ, किसी भी आप ये देख रहे हैं कि बेसिक असम्बली है, इसको मैं इधर से उठा के इधर मैं लगाता हूँ, दोनों के ऊपर सेम टू सेम मैं उसको यूज़ करूँगा। तो ये असम्बली मेरे पास आ गई है, इधर से आप आ जाए इधर, तो इसकी जो विड्थ वगैरह है वो आपने इधर से उसकी सारी उसकी सेटिंग करनी है। तो इधर से आपने सबसे पहले असम्बली को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे आप तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। आप ये दोनों साइडों पे जो विर्थ है वो आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास नीचे आप आएंगे तो 3.6 है जो आपका रोड का सेक्शन है, जितना भी है आपने उसकी विर्थ इधर से इसी तरीके से कर देनी है। तो मैं इधर से 10 मीटर हमारे पास पेव्ड एस्फाल्ट है तो मैं इधर से कर देता हूँ। स्लोप हमारे पास -2 है और इसी तरह ये जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है उसको मैं एज इट इज़ इधर से रखूँगा। स्लोप वगैरह आप ये जो इसकी साइड स्लोप्स वगैरह जा रही हैं दोनों साइड की आप इसको इधर से देख सकते हैं। इधर जो डिफ़ॉल्ट आ रही होती है 1 इन 4 आ रही होती है,
फिर कि मैं जैसे इसके स्लोप को 2 कर देता हूँ दोनों साइड्स के ऊपर, ताकि हमारी 1:2 की स्लोप आ जाए। तो असेंबली आपने ड्रा कर लेनी है, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इधर बनाया है इस असेंबली को, आप अपने सेक्शन के हिसाब से बनाएंगे। तो असेंबली में आप ड्रा हो गई है, उसके बाद अभी हमने इसका कॉरिडोर बनाना है। आपने इधर से आ जाना है कॉरिडोर वाले ऑप्शन के ऊपर, ये आप देख रहे हैं ऊपर से टैब से कॉरिडोर क्रिएट कॉरिडोर न्यू कॉरिडोर के ऊपर आपने इधर से आना है। तो ये ऊपर आप कोई भी नाम इसका दे सकते हैं, मैं इसका नाम देता हूँ 1। ये हमारा बेसिक है, अलाइनमेंट हमारे पास दोनों आ रही है ए और बी, तो हम पहले ए का बनाएंगे। ये हमारे पास ए जा रही है नीचे, आप देख रहे हैं असेंबली हमारे पास बेसिक असेंबली है, प्रोफाइल भी हमारे पास इधर 1 है, दो प्रोफाइल आ रही है, एक सरफेस प्रोफाइल है और एक डिज़ाइन प्रोफाइल। तो आपने डिज़ाइन प्रोफाइल को इधर से चूज़ करना है और इधर से नीचे आना है टारगेट और सर्फेस जो हमने एक्स के नाम से बनाई थी उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इधर से ये जो सर कॉरिडोर है इसके ऊपर आपने इधर से अप्लाई करके और इधर अपना कॉरिडोर बना देना है। आप नीचे देख रहे हैं कि कॉरिडोर ड्रा हो गया है, इसको आपने ओके कर देना है। ये हमारे पास इस असेंबली के हिसाब से, या आप देख रहे हैं कि इधर से हिसाब से उसने हमें इधर अपना कॉरिडोर इधर ड्रा कर दिया है। इसी तरह आपने सेकंड जो रोड है उसका भी कॉरिडोर आपने ड्रा कर देना है, कॉरिडोर के ऊपर आ जाना है। इधर से हमने पहले का नाम दिया था 1, इसका नाम हम दे देंगे 2। ए है, अलाइनमेंट हमारी बी आ जाएगी और प्रोफाइल भी इसकी 2 नंबर की हमने बनाई थी वो आ जाएगी। असम्बली सेम टू सेम हमारी बेसिक असम्बली रहेगी और सर्फिस टारगेट आपने एक्स इधर सेलेक्ट करके इधर से ओके कर देना है और अप्लाई कर देना है रीबोल्ट कॉरिडोर ओके कर देना। तो ये दोनों कॉरिडोर हमारे अभी इधर बन गया है। अब इसके बीच में हमने इधर से अपना इंटरसेक्शन बनाना है। तो इंटरसेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो हमारा पूरा कॉरिडोर जा रहा है इसको हमने स्प्लिट करना है, इसको हमने अलग अलग कर देना है, चार चार किस्म के उसके बीच में हमने अपना इंटरसेक्शन बनाना है। उसके बाद उसको हमने ज्वाइंट करना है, वो हम कैसे करेंगे उसके लिए आपने इधर से आ जाना है, एक कॉरिडोर को सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही कॉरिडोर को सिलेक्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे स्प्लिट रीजन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको इधर से सिलेक्ट करना है और इधर से कुछ आश्रय तक आप इधर से ये जा रहा है, ये हमारा इंटरसेक्शन इधर आना है। तो आपने थोड़ा सा पीछे तक इसको इधर से डबल क्लिक करके और इधर से आपने उसको स्टॉप कर देना है इधर तक। तो ये आपका रीजन एक हमारा रीजन इधर ऐड हो जाएगा, सेकंड नंबर का रीजन भी आपने दूसरी तरफ उसी रोड के ऊपर आ जाना है और इधर आपने उसका ऐड कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास 1, 2 और ये 3 सेगमेंट इसके बन गए हैं। राइट क्लिक करना है आपने और इसी तरह सिलेक्ट हुए हुए आपने इधर कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाना है, इसके ऊपर कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और इधर सेकंड नंबर के ऊपर पैरामीटर्स के अंदर आपने आना है। तो आप देखेंगे कि पहले हमारे पास जब हमने कॉरिडोर बनाया था तो हमारे पास एक रीजन था, अभी 3 आ गए हैं। तो हमारे पास ये पहले वाला आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी, सेकंड नंबर पे आप करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड नंबर वाला और थर्ड नंबर के ऊपर आप करेंगे तो ये हमारा थर्ड वाला। तो हमें इधर से सेकंड नंबर वाला जो हमने बनाया है इसको हमने इधर से इसको ख़त्म कर देना है। तो इधर से अप्लाई कर देना है आपने रिबूट कॉरिडोर करके ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास कॉरिडोर इधर से सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है। इसी तरीके से आपने सेम टू सेम इसी को करना है, इस कॉरिडोर को आपने सेलेक्ट करना है, स्प्लिट रीजन के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने कुछ फासले तक इधर से इधर क्लिक करके डबल क्लिक कर देना है और इधर से इसी तरीके से इधर आना है दूसरी साइड के ऊपर और इधर भी आपने डबल क्लिक कर देना है। पहले सिंगल क्लिक करके डबल क्लिक कर देना है, राइट क्लिक कर देना है माउस की मदद से और उसके बाद दोबारा कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने जो सेंटर वाला रीजन है ये वाला ये आपने इधर से ऑफ कर देना है, रीबोल्ट कॉरिडोर कर देंगे ओके कर देंगे। अब तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये जो इसकी सारी हमारी कॉरिडोर बन गया था वो हमारा साइडिंग के ऊपर आ गया और दरमियान में जो हमारे पास इंटरसेक्शन या चौक वाला सेक्शन है वो इधर से ओपन है। अभी हमने इसके अंदर इंटरसेक्शन अपना ऐड करना है और उसको हमने उसकी सेटिंग करनी है। तो आपने इधर से ये सारा प्रोसेस आपने शुरू से लेकर एंड तक इधर करना है और उसके बाद आपने इधर से इंटरसेक्शन को अपना ऐड करना है। इंटरसेक्शन के लिए आपने इधर इंटरसेक्शन वाला कॉलम के ऊपर आ जाना है। इधर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंटरसेक्शन हमारे पास है, इधर राउंड अबाउट है, एड अप्रोच है और आगे इनकी डिटेल्स है। तो आपने क्रिएट इंटरसेक्शन के ऊपर आना है सबसे पहले और इधर से आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद इधर जिधर आपके पास इंटरसेक्शन बन रहा है इधर से आपने उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट मेन रोड अलाइनमेंट और प्रेस इंटर की। तो आपने कोई मेन रोड जो आपके पास जा रहा है ये साइड या ये साइड कोई मेन रोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेन रोड सिलेक्ट कर देते हैं और इधर से हमारे पास
क्रिएट इंटरसेक्शन का एक टैब ओपन हो जाएगा। आप इंटरसेक्शन के अंदर नाम दे सकते हैं, नंबर वन अगर आपके पास ज़्यादा है 1 2 3 4 तो आप इसी तरीके से अलग अलग जो भी बनाएंगे 1 2 3 4 के हिसाब से। इधर बेसिक है, बेसिक रहने देते हैं, और इधर ये आप नीचे आते हैं इंटरसेक्शन कॉरिडोर टाइप है, तो ये आप आपस दो हैं, प्राइमरी रोड क्राउन मेंटेन्ड है और नीचे ऑल क्राउन मेंटेन्ड, तो आपने नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। अभी देखें ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि इधर फर्क आ रहा है, ये रोड इधर आ रही है, जो हमारे पास जो क्राउन मेन रोड जो सिलेक्ट हुआ होगा वो ऊपर जाएगा, तो आपने इधर से सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इधर मैं आपका ये पूरा एलिवेशन वगैरह सारे सेम टू सेम हो जाएंगे, उसकी जो भी स्लोप्स वगैरह साइड स्लोप्स वगैरह जा रही हैं सबको वो ऑटोमेटिकली इधर से क्रिएट करेगा। तो उसके बाद आपने इधर से नेक्स्ट कर देना है, ये हमारे पास स्टेशन आ जाएंगे, हमारे पास जो रोड वन का स्टेशन है 301 और रोड टू का जो स्टेशन है बी का उसका 402 है, ये पोर्शन जा रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास से क्रिएट स्पेसिफाई ऑफसेट अलाइनमेंट्स, तो आपने ऑफसेट पैरामीटर्स के ऊपर आना है इधर, और इधर आप देख रहे हैं कि इधर जो ऑफसेट की वैल्यू है वो 3 मीटर है। हमने जो इधर असम्बली बनाई थी, हमने असम्बली 10 मीटर की बनाई थी, ये जो हमारे पास रोड हमने पेव्ड रोड बनाया था अपना, उसकी जो असम्बली बनाई थी 10 10 मीटर की बनाई थी, तो आपने इधर से जो जो से आपकी असम्बली की विड्थ आ रही है पेव्ड एरिया की उसके हिसाब से आपने इधर विड्थ ऐड करनी है। हमने उसकी 10 मैंने इधर 10 मीटर बनाई थी, तो मैं इधर 10 10 मीटर साइड पे सारी कर दूंगा। अभी देख रहे हैं कि सारे इधर नीचे ये ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, कलर्स वगैरह उसका चेंज होता जा रहा है, सारे चेंज होती जा रही है। तो ये चारों साइड है मेरे पास, क्योंकि असेंबली सेम टू सेम है, तो इसी तरीके से उसको मैंने इधर एडजस्ट करना है। तो 10 10 मीटर के ऊपर मैंने उसका सारा ऑफसेट दे दिए सबके चारों साइड के, उसके अंदर आपने मजीद और कोई चेंजिंग नहीं करनी, ओके कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है इधर नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर, जैसे आपने नेक्स्ट करना है, सॉरी जैसे बैक करना है इधर से कर्व रिटर्न पैरामीटर्स, जो कर्व के आपके रिटर्न पैरामीटर हैं ये आपके जो जा रहे हैं उसकी सेटिंग है, आपने उसको इधर क्लिक करना है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि इसका रेडियस 10 मीटर है, आप अगर इसको रेडियस को जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। मिनिमम रेडियस जो हमारी हाईवेज वगैरह का होता है वो 25 मीटर होता है, 25 मीटर है। ऊपर आप ये देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन का ऑप्शन है, ये एन ई जो हमारी साइड जा रही है एन और ई, इधर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एन और ई, ये इस साइड के ऊपर जो जा रहा है पैरामीटर उसकी आप 25 मीटर आप कर दें। इसी तरीके से जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है, इस तरह ऐसी दूसरी साइड है उसकी भी आप 25 मीटर रखना चाहते हैं 25 मीटर कर दें, और इसी तरह एस डब्ल्यू की अगर आप, मैं से उसको थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करता हूँ, मैं उसको 20 मीटर कर देता हूँ ताकि आपको उधर ड्रा होते हुए आसानी नजर आए। तो इसी तरह दूसरी साइड भी जो है उसको मैं से 20 मीटर कर देते हैं। तो हमारे पास इधर दो ऑफसेट जो है रेडियस जो है वो 25 फीट के हैं, और दो रेडियस हमारे पास इधर 20 20 फीट के हैं। तो ये आप इसको सेम टू सेम भी रखना चाहते हैं सेम टू सेम पैरामेट्रिक ऊपर, तो आप सेम टू सेम रख सकते हैं, या जो आपके पास रिक्वायरमेंट है आपके पास एरिया कितना है उसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। जैसे आपने इसको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद ये लैंड स्लोप्स पैरामीटर्स वगैरह ये जो आपके पास जो असेंबली हमने बनाई थी उसके हिसाब से, तो जो जो इधर हमारे पास आ रही हैं अगर आप मौके के हिसाब से उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो जो असेंबलीज के ऊपर आपने जो स्लोप्स वगैरह दी थी इधर वही आ रही है। अगर आपके पास कोई कर्व वाला पोर्शन है सुपर एलिवेशन है तो जो स्लोप इधर आ रही है वो स्लोप आप इधर मेंशन करेंगे, अगर नॉर्मल स्लोप है 2% या -2.5% जो आपने असेंबली के अंदर दी है तो वही स्लोप आप इधर उसको रखेंगे। ओके कर दें, ओके करने के बाद जस्ट आपने इधर से क्रिएट इंटरसेक्शन कर दिया, तो इधर से मैं ऊपर आता हूँ थोड़ा सा और इधर से क्रिएट इंटरसेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ, और थोड़ा सा आपने वेट करना है। तो ये आप देखेंगे ये हमारे पास इधर इंटरसेक्शन ये हमारे पास सारा क्रिएट हो गया, ये दो साइड है जो हमारी 25 फीट के ऊपर है, और ये दोनों साइड हमारी 20 फीट रेडियस के ऊपर है। तो ये पूरा इंटरसेक्शन हमारे पास इधर इसका क्रिएट हो गया, इसकी सारी स्लोप्स वगैरह इसने बना दी है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर ये हमारे पास सेंटर के अंदर आया है, अभी हमने ये जो पोर्शन कॉरिडोर का है इनको हमने इनके साथ मैच कर देना है। वो हमने कैसे मैच करना है, आपने इसको कॉरिडोर को सिलेक्ट करना है, ये एरोज आपके पास आ जाएंगे, आपने इधर से एरोज को पकड़ना है और इस लाइन के ऊपर आपने जिधर आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इधर तक आपने इसको बढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर आ जाना है और ये वाला पोर्शन को भी आपने सेलेक्ट करना है, और इधर तक जिधर तक आपके पास ये इंटरसेक्शन आ रहा है इधर तक इसको आपने इधर लगा देना है। इसके बाद इसी तरह से आपने दूसरी साइड को आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और इधर से आपने इस वाले जो हमारे पास एरो है इसको आना है इधर, और इधर पूरा इस लाइन के साथ आपने इधर उसको मैच कर देना है।
ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके लेवल्स वगैरह भी सारे इधर से सेट हो जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट साइड है हमारे पास, आपने इसको इधर लगा देना। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इंटरसेक्शन इधर से बन गया है, ये पूरा एलिवेशन के ऊपर सारा कुछ बनना है। इसका मैं 3D व्यू आपको दिखाता हूँ कि अगर आप शिफ्ट और माउस की व्हील की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा इसका व्यू अलग करते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि ये कम्प्लीट हमारे पास पूरा का पूरा इंटरसेक्शन जो है, ये हमारे पास सारा इधर से बन गया है, क्रिएट हो गया सारा का सारा। ये इंटरसेक्शंस वगैरह ऑटोमेटिकली सारा सिविल 3D ने इसके ऊपर इसको बना दिया। तो आप इस तरीके से वर्किंग करते हुए अपना सारा वर्किंग जो भी इंटरसेक्शंस वगैरह हैं जिधर भी हैं आप उसको बना सकते हैं। उसके लिए जो जो से रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको बताई हैं, आपने पॉइंट्स इंपोर्ट करने हैं, उसकी सर्फेस बना देनी, जिस तरह आप नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं। अलाइनमेंट्स आपने सबसे पहले बनानी है, उसके बाद आपने इनकी प्रोफाइल बना देनी है, डिज़ाइन प्रोफाइल। डिज़ाइन प्रोफाइल बनाने के बाद आप इसकी असेंबली को ड्रा करेंगे, ये सभी आपकी ड्रा हो जाएगी। उसके बाद आपने इसका कॉरिडोर बना देना है, कॉरिडोर बनाने के बाद आपने इसके रीजन को स्प्लिट करना है सारे को अलग अलग, और उसके बाद आपने इंटरसेक्शन इधर से आके उसको अपने बना देना है। उसकी सारी सेटिंग्स के मुतालिक मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताई है। अभी आप इसके प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका सेंटर के अंदर जो हमारे पास आईडी आईएएस की बिल्कुल इंटरसेक्शन की, वो इधर ऑटोमेटिकली जो सेकेंडरी रोड हमने दी थी उसके अंदर ये मार्क हो गई है, और इधर ये आपके पास ग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो चूंकि हमारे पास प्रोफाइल हमने इधर 00 बनाई थी, ये सारा कुछ हमारे पास इधर इसी तरह बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास जो असम्बलीज आपको ऊपर नज़र आ रही है, इसके स्लोप्स वगैरह, साइड स्लोप्स वगैरह, सारी ये सारी की सारी हमारे पास ये इंटरसेक्शन की पूरी डिटेल है, जो कि ऑटोमेटिकली इधर से हुई है। आप इसके अंदर भी इसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके इसको छोटा और बड़ा इधर से इनको कर सकते हैं। जो भी आप इधर से चेंज करेंगे वो इधर से आपके पास इस सेक्शन के अंदर, जो भी आपके पास सेक्शन है, जो मेन रोड के सेक्शन बने हुए हैं इधर है, आपके पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक सिंपल सी वीडियो थी, ये आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर पूरा प्रोसेस, आप उसको इस इंटरसेक्शन को आप अपने कैसे बना सकते हैं सिविल 3D के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोसेस के जरिए। तो ये आपने इस वीडियो को तक आराम से देखना है सुकून के साथ, एक ही दफ़ा में कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप इसको बार बार देखें, ताकि आप एक दो चार दफ़ा इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगी। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मेरे चैनल के अंदर और भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद है। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।